गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अध्याय 10 पढ़ेंगे। अध्याय 10 में शीर्षक वसंत, यानी वसंत ऋतु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस कविता के माध्यम से जो है कवि ने जो है वसंत ऋतु के आने का सुंदर वर्णन किया है। सब ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु होता है, बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही सुंदर होता है वसंत ऋतु। जब वसंत ऋतु आती है तो आप लोग देखते हैं कि चारों तरफ पेड़ पौधे में जो है सुंदर सी पत्तियां, हरी हरी पत्तियां आने लगती है और चारों तरफ हरियाली हरियाली होने लगती है, सरसों पीलापन होने लगता है, आम में मंजर आने लगता है। ये सारे जो है वसंत ऋतु के आगमन का सूचित करता है, है ना। चारों तरफ जो है जब वसंत ऋतु आती है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, अनेक प्रकार के फूलों का सुगंध जो है वातावरण में, है ना, फैल जाता है और वातावरण को सुगंधित कर देता है, महका देता है। तो वसंत ऋतु, इसी वसंत ऋतु के बारे में हम लोग को पढ़ना है। सभी लोग अपने अपने बुक पे ध्यान देंगे। आ आ प्यारी वसंत, सब ऋतुओं में प्यारी, तेरा शुभ आगमन सुन फूली केसर क्यारी। माने हे प्यारी वसंत, ऋतुओं की रानी वसंत, आप सब ऋतुओं में प्यारी हैं, आप आइए और आपके आगमन से, आपके सुंदर आगमन से, आपके शुभ आगमन से, आपके आने से जितने भी फूल का बाग बगीचा है ना है, वो जो है क्या हो जाता है, खिल जाता है, सभी खिल जाते हैं। सरसों तुझको देख रही है आंख उठाए, गेंदे ले ले फूल खड़े हैं सजे सजाए। सरसों का खेत भी है, सरसों जो है पीली है, पूरी तरह खिली हुई नहीं है, आपकी आगमन की प्रतीक्षा कर रही है, आप आइए, वो भी इंतजार में है आपके। गेंद के फूल जो है सभी जो है आपको स्वागत के लिए तैयार है, है ना, आप आइए। आस कर रहे हैं टेसु तेरे दर्शन की, आस यानी आशा है कि आप आइएगा, और एक पुष्प का नाम हो गया टेसु, है ना, आप आइएगा और आप जब आइएगा तो आपका दर्शन यानी आप दिखाई देंगे, है ना, आपके आने पर हम लोग का जो है बाछे खिल जाएगा, हम लोग सुंदर सा खिल जाएंगे, हम लोग दिखाई देंगे। फूल फूल दिखलाते हैं गति अपने मन की, सभी फूल जो है कली है वो सब जो है अपने दशा स्थिति को आपको दिखाते हैं। पेड़ बुलाते हैं तुझको टहनियां हिला के, पेड़ में हरी हरी पत्ती आ जाती है और सारी शाखाएं जो है हिलती रहती है, बहुत ही सुहावनी हवा चलती है और बसंत ऋतु में कोयल देखते हैं कुकू करने लगता है, चारों चिड़िया चहचहाने लगती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है, है ना, बड़े प्रेम से टेर रहे हैं हाथ उठा के, है ना, बड़े प्रेम से आपको बुला रहे हैं, सभी सभी तैयार हैं, हरी पत्ती आ गई है सरसों का खेत में, सरसों फूल झूम रहा है, गेंदे के फूल तैयार है, सभी आपके स्वागत के लिए तैयार है, सभी आपको बुला रहे हैं। मार्ग तक ते बेरी के हुए सरा फल पीले, आज सहते सहते शीत हुए सब पत्ते ढीले, है ना, सभी जो है आपके रास्ता देखते हैं कि आप जल्दी आइए और सभी जो है सर्दी में जो है पत्ता ढीला हो गया, वो ताजी हो जाएंगे, आप आइएगा और वो ताजी हो जाएगा। नींबू नारंगी है अपनी महक उठाए, नींबू भी महक रहा है, नारंगी भी सुगंधित है, सब जो है अपने अपना महक उठा रहे हैं, बिखेर रहे हैं आपकी इंतजार में। सब अनार है कलियों की दूरबीन लगाए, अनार में भी आप लोग देखते हैं कि फूल पत्ती आ जाती है, उसमें भी फूल फल पकड़ने लगता है, है ना। पत्तों ने गिर गिर कर तेरा पांव आरा बिछाया, जितनी पेड़ पौधे वृक्ष होते हैं, है ना, सभी जो है पत्ते गिर जाते हैं और नए पत्ते उगाते हैं, यानी आपके लिए पायदान बना दिए हैं। घर में घुसते हैं तो पैर साफ करने के लिए दरवाजे पर पायदान रखा हुआ रहता है ना, उसी हिसाब से पत्ते जो है वृक्ष के पत्ते जो है आपके लिए पायदान बिछा दिए हैं, है ना। झाड़ पोछ वायु ने उसको स्वच्छ बनाया, हवा आई और हवा आकर के, है ना, उसको सब उड़ा ले गया, साफ चिकन कर दिया आपको, स्वच्छ मतलब साफ सुथरा बना दिया। कोसों तक पृथ्वी पर रहती सरसों छाई, दूर दूर तक
इस धरती पर जो है सरसों की हरियाली छाई हुई रहती है ना, देती दीर्घ की पहुंच तलक प्रतिमा दिखाई, यानी बहुत दूर तक आंख, जहां तक आंख पहुंच जाती है ना, जहां तक आंख पहुंच जाती है वहां तक प्रतिमा यानी पीलापन ही दिखाई देता है। प्रतिमा मतलब होता है पीलापन, तो वहां तक जहां तक आंख का दृश्य से हम आंख से देख सकते हैं वहां तक जो है केवल प्रतिमा ही यानी पीला ही पीला दिखाई देती है। सुंदर सुंदर फूल वह उसके चित्त लुभाने, और बहुत सारे सुंदर जो है सुंदर सुंदर फूल जो है हृदय को लुभाने लगते हैं, मोहित करने लगते हैं, है ना। बीच बीच में खेत गेहूं जाओ के मनमाने, और सब चारों तरफ जो है सुंदर सुंदर फल फूल लगा हुआ रहता है, हृदय को लुभा लेता है, मन को मोह लेता है, और उसी बीच में खेत में कहीं कहीं जो है गेहूं का भी खेती और जौ का भी खेती लोग करते हैं, वो भी लहलहाते रहते हैं, जगमगाते रहते हैं। पास चने के खेतों में बालक कुछ जाते, चन्ना का खेत उसमें बच्चे जाते हैं बसंत ऋतु में, और दौड़ दौड़ के सुरुचि साग खाते घर लाते, उसमें से साग जो है सुंदर साग को खोटते हैं लाते हैं, चन्ने की साग को खेसारी के साग को खोटते हैं खाते हैं, और कुछ घर भी लाते हैं। ये सारी चीज जो है बसंत ऋतु की सुंदरता का वर्णन करता है, और सारी सारी चीज जो है बसंत ऋतु आने की हमें आगाह करता है कि बसंत ऋतु आ गई और ये सुंदरता होता है। आपस में सब करते जाते खिल्ली ठट्ठा, वहीं खोल कर खाते मक्खन रोटी मट्ठा, यानी आपस में सभी लोग जाते हैं है ना, और आपस में हंसी मजाक करते हुए जाते हैं, और वहीं रास्ते में जब साग, रास्ते में समय थोड़ी लगती है, जब भूख प्यास लगती है तो घर से मक्खन रोटी छाछ दही का छाछ लेकर के जाते हैं, और सभी लोग वहां बैठकर एक साथ खाते हैं। वही फाग मास ऋतु राज वही है, यानी फागुन का महीना, होली का महीना, होली का त्यौहार जो है ना उसी समय आता है, और वही ऋतु राज जो है बसंत ऋतु होता है ना। होली है और उसका सारा साज वही है। होली जो है बसंत ऋतु का क्या है, श्रृंगार है। होली जो है बसंत ऋतु का श्रृंगार है। अह देखने वाले इस अनुपम शोभा के, यानी आह क्या कितनी सुंदर ही, कितनी ही रोमणक, कितनी ही रमणीक समय होती है ना। अनुपम जिसका उपमा न हो उसी को अनुपम, तो ये देखने योग्य होता है बसंत ऋतु की सुंदरता को, और साजवाज जो है उसका होली होता है। कहाँ गए चल दिए किधर मुंह छिपा छिपा के, और कहाँ आप चल दिए, कहाँ किधर गए और मुंह छिपा छिपा के चल दिए, यानी आप जल्दी आइए। ये सारी चीज जो है आपकी सुंदरता आने के बाद चारों तरफ सुंदरता ही सुंदरता बढ़ जाती है। यही इस कविता के माध्यम से जो है ना बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है कि बसंत ऋतु में क्या होता है। बसंत ऋतु में आप लोग देखते हैं गेहूं लाल आता है, सरसों की चारों तरफ पिल्ली जहां तक आग जाती है, इसमें हम बता दिया गया इस कविता के माध्यम से है ना। चन्ने की खेतों में फूल लगा हुआ रहता है, बहुत सारे फूल बाग बगीचे फूल फलों से फूलों से लदे हुए रहते हैं, जो बहुत ही सुंदर बहुत ही रमणीक दिखाई देता है। और इस बसंत ऋतु का सार होली होता है, यानी श्रृंगार। होली का त्यौहार बसंत ऋतु में ही है ना के बाद मनाते हैं। तो यही ऋतु बसंत ऋतु का जो है वर्णन किया गया है, और इसके बाल मुकुंद गुप्त जी कवि हैं, और बाल मुकुंद गुप्त जी जो हैं है ना गुड़ियानी नामक ग्राम में है ना 1865 में उनका जन्म हुआ था। तो इस कविता को आप लोग याद कर लेंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेंगे, ठीक है। और अपने नोटबुक में ये कठिन शब्द जो है उसको हमने लिख दिया है, इसको आप लोग याद कर लेंगे है ना, और कविता को याद कर लेंगे, और कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछ लेंगे। धन्यवाद।